कुछ सदस्य का प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक से मिलकर हम लोग आए हैं। श्री नरेश उत्तम जी हैं, उदयवीर सिंह जी हैं, अरविंद सिंह जी हैं, डॉक्टर राजबल कश्यप हैं। हम लोगों ने पुलिस महानिदेशक से को एक ज्ञापन भी दिया है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस हर ज़िले में भाजपा सत्तारूढ़ दल के इशारे पर समाजवादी पार्टी के नेताओं के विरुद्ध, कार्यकर्ताओं के विरुद्ध और निर्वाचित पंचायत सदस्यों के विरुद्ध उत्पीड़न की कार्रवाई कर रही है। पुलिस लगातार उनके घरों पर छापा मार रही है। जिला पंचायत चूँकि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश में भाजपा को ये एहसास हो चला है कि वो अब सत्ता में लौटने वाली नहीं है। 2022 में श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इसलिए भाजपा बौखलाई हुई है और सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, पुलिस का इस्तेमाल कर रही है। समाजवादी पार्टी के नेताओं के विरुद्ध, कार्यकर्ताओं के विरुद्ध लगातार उत्पीड़न कर रही है, फर्जी केस बना रही है, पंचायत सदस्यों को निष्पक्ष चुनाव में हिस्सा नहीं लेने दे रही है, उनके विरुद्ध तमाम तरह का दबाव बना रही है, धमका रही है, फर्जी केस बना रही है और कई जिलों में समाजवादी पार्टी के नेताओं का कोर्ट का स्टे के बाद भी वहाँ विध्वंस की कार्रवाई की गई है। ये बिल्कुल गैरकानूनी है। पुलिस व्यवस्था बना उत्तर प्रदेश में जिस तरह का काम कर रही है उससे कानून व्यवस्था का बड़ा संकट पैदा हो गया है। हमने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को ज्ञापन की कॉपी भी दी है और उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं उन हालात से उन्हें अवगत करा दिया है। हमने ये भी कहा है कि पिछले 4 साल में समाजवादी पार्टी के विरुद्ध भाजपा के इशारे पर सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, उन्हें लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करने से रोका जा रहा है। श्री अखिलेश यादव जी ने बार बार इस मुद्दा उठाया है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है। अभी पिछले महीनों में ही श्री अखिलेश यादव जी अपने आवास से उनको निकलने नहीं दिया गया और यहाँ पर चौराहे पर उन्हें धरने पर बैठना पड़ा, उनके विरुद्ध फर्जी केस बनाया गया, गिरफ्तारी की गई। ये सब भी हमने महानिदेशक पुलिस को अवगत करा दिया है। हमने ये उम्मीद की है कि वो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे और पुलिस का जो इस्तेमाल कर रही है भाजपा उसको वो उस पर रोक लगाएंगे और पंचायत का जो चुनाव होने जा रहा है जो जिला पंचायत अध्यक्षों का उसको निष्पक्ष तरीके से होने देंगे। अभी तक जब भी बीजेपी के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है उसके साथ जो है कई बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है, जैसे संजय सिंह का भी हमला हुआ दिल्ली में रहकर के, कोई ऐसा इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल वो तो सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। भाजपा बौखलाई हुई है, सत्ता का मद है, उन्हें घमंड में है, जनता सब देख रही है। 2022 के विधानसभा के चुनाव के इंतजार में है जनता। समाजवादी पार्टी की सरकार श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है, इसलिए भाजपा बहुत निम्न स्तर पर जा करके पुलिस का वो इस्तेमाल कर रही है, दुरुपयोग कर रही है। मीटिंग चल रही, ज्वाइनिंग कौन कौन बड़े नेता इसमें ज्वाइन कर रहे हैं बता देंगे अभी।